नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं प्रवीण कुमार। अभी मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये सड़क कैथल से आती है और जींद की तरफ जाती है। यानी कि आगे जो गांव है वो देवबन पड़ता है और जो पीछे गांव है वो सहारन पड़ता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाने वाला हूँ। अभी पंचायत चुनाव का सीज़न ख़त्म हो चुका है और लगभग हर गांव में सरपंच बन चुके हैं, लेकिन गांव की समस्या जो कि तो खड़ी रहती हैं। मैं पहले भी बात करता था और अब भी बात कर रहा हूं कि जो भी उम्मीदवार सरपंच बनकर गांव का मुखिया बना है वो कितना कुछ अब सुधार कर पाएगा गांव में, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन ये बच्चे जो आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये गाँव सहारन के बच्चे हैं और ये देवबन की तरफ जाते हैं। हर रोज़ का इनका ये सफ़र है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये रोड है जो ये बिल्कुल रस है, ये सिंगल रोड है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आता जाता है, जींद से भी आता है और कैथल की तरफ से भी आता है। बड़े बड़े भारी ट्रंक भी यहाँ से गुजरते हैं, बाकी बाइक, गाड़ियाँ, बस, रोडवेज, वो सारी चीज़ें इसी रोड से होकर के जाती हैं और इन्हीं के बीच ये बच्चे इस रोड पर सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इनके गांव में स्कूल नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ 8 तक का स्कूल है और ये मौत के मुंह से हर रोज़ यहां से गुजरते हैं। कोई भी दुर्घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार प्रशासन इनको कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चे जद्दोजहद करके, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, कोई 8वीं क्लास का है, कोई 10वीं क्लास का बच्चा है। अभी मैं इनसे मिलवाता हूँ। क्या नाम है भाई? क्रिश। क्रिश, कौन सा गांव है? सारण गांव है। सारण गांव है। अच्छा, आपके गांव में स्कूल कितने तक का है? 8वीं क्लास तक का। 8वीं तक का है भाई, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, देख 8वीं तक का। कितने बच्चे आप पढ़ने के लिए जाओ देवबन? 15 लड़के हैं, 35 लड़कियाँ जाओ। अच्छा, मतलब लगभग 50 के आसपास बच्चे, मतलब हर रोज़ सारण जाओ पढ़ने के लिए। तो पहले तो आप ये बताओ, आपकी क्लास कौन सी बताई आपने? 10वीं। 10वीं क्लास है। एक मिनट में एक बार बताऊँ आऊँगा, आपकी कौन सी क्लास है भाई? 10वीं। 10वीं, क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस, आपकी कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है। 9वीं, क्या नाम है? विशाल। विशाल, ये देखो भाई ट्रंक रहे, ये इन बच्चों के पास से गुजर रहा है और ये एक छोटा सा रोड है और इस पे से ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। क्या नाम बताया? विशाल। विशाल, कौन सी क्लास है? 9वीं। 9वीं, तेरा क्या नाम है भाई? उज्जवल। उज्जवल, कौन सी क्लास है? 9th क्लास। 9th क्लास है। तेरा क्या नाम है? अमित। अमित, कौन सी क्लास है? 10th। 10th क्लास है। तेरा क्या नाम है? अंकित। कौन सी नाम है? अंकित, कौन सी क्लास है? 10th। 10th क्लास है। क्या नाम बताया था भाई ने? क्रिश। क्रिश, आ जा भाई क्रिश। अच्छा, अब ये बता, हर रोज़ आप सफ़र करो इस रोड पर, आपने डर नहीं लगता? ना। क्यों? रोज जाऊं। मतलब एक्सपीरियंस हो गया आपका। लेकिन ये जो ट्रक है इतने बारी बारी यहाँ से गुजर रहे हैं, वह हमारे देखते देखते 5 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 20 ट्रक जा लिए, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कुछ हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो प्रशासन या सरकार बतावेगी। लेकिन आपके गाँव में स्कूल क्यों नहीं है ये बता उसको कुछ? नहीं बता सकते। 8वीं तक का स्कूल है, कभी प्रयास करा गाँव वालों ने कि 12वीं तक का स्कूल हो या 10वीं तक का हो? नहीं करा प्रयास। तो फिर आपका ये कितने किलोमीटर का सफ़र पड़ा है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का, एक साइड का सफ़र है ये 2.5 किलोमीटर का, मतलब हर रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलना हुआ आपने। घर वाले कैसे मतलब भेजते हैं? घर वालों का मतलब कुछ ये नहीं होता कि भाई बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और यहाँ से गुजरेंगे, तो ऐसा कुछ मतलब सुनने में आवा कभी घर की तरफ? साइकिल ला लो, साइकिल फिर है को नहीं। अच्छा, सरकार साइकिल दवा दे फिर वन जाते को नहीं, खराब हो साइकिल तोड़िए खराब हो जाए। ये नाम था तेरा? प्रिंस। प्रिंस भाई, अगर साइकिल पे भी उस रोड पे तो चलने में दिक्कत है, आपने लगता को नहीं यह बात? लगा कि जैसे ये देखिए बस भाई देख, तो भाई इस पर छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेकर कैसे चल पाओगे आप लोग? ये तो इसका तो ये है कि आपके गांव में स्कूल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, कैमी तक का स्कूल होना चाहिए आपके गांव में? 10वीं तक का। 10वीं तक का या 12वीं तक का, ठीक है। अब कितने लड़के और कितनी लड़कियां गाँव हैं पढ़ने के लिए? 15 लड़के 35 लड़कियां। 15 लड़के और 35 लड़कियां, ये 9वीं तक लेकर 12वीं तक के हैं सभी? हाँ, बच्चे जो 9वीं तक 12वीं तक के हैं, तो ये मासूम बच्चे हैं भाई, देख सको आप। तो अब ये सारी चीज़ें हमने पहले एक वज़ीरखेड़ा की भी वीडियो ऐसे ही बनाई थी, काफ़ी सारी लड़कियां थी, लेकिन वो उस रोड में और इस रोड में दिन रात का फ़र्क है। ये स्टेट हाईवे है जो कैथल से जींद को जोड़ता है
और इस पे ट्रक भी चलते हैं, बस भी चलती हैं, ऑटो भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, बाइक भी चलती हैं, लेकिन आपको शायद यहाँ पर साइकिल चलती नजर आए। लेकिन ये बच्चे हौसले के साथ फिर भी कह रहे हैं अगर इनको साइकिल भी मिल जाए तो भी ये सफ़र तय कर ले। लेकिन हमारा सवाल तो फिर भी यही है कि आखिरकार गाँव में 12वीं तक का स्कूल क्यों नहीं है? इन बच्चों को इतनी दूर लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का सफ़र हर रोज़ क्यों तय करना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जो सरकार टैक्स लेती है वो सारी चीज़ों में ये चीज़ नहीं आती कि वो शिक्षा उपलब्ध करवाए, स्वास्थ्य उपलब्ध करवाए? गांव-गांव में जो बच्चे, जो लोग इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार के पास धनराशि पहुंचाते हैं, क्या उसमें सरकार का फ़र्ज नहीं बनता कि ये सारी चीज़ें गांव में ही मुहैया कराए, उनके जहां पर वो रहते हैं वहीं पर ये सारी चीज़ें दी जाए? उनको क्यों 6 किलोमीटर का सफ़र हर रोज़ तय करना पड़े? वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मासूम बच्चों को सड़क पर किसने छोड़ दिया है? क्या क्यों ये मजबूर हैं कि ये सहारण से देवबन की तरफ 2.5-3 किलोमीटर का एक तरफ का सफ़र तय करके पढ़ाई के लिए जाएं? तो क्यों ये इनको मजबूर कर रखा है? इसमें सीधा सीधा जिम्मेदार कौन है? और अभी जो नई ग्राम पंचायत बनाई है वो इनकी तरफ कितना ध्यान देगी? इन चीज़ों को लेकर भी आप हमारे साथ कुछ बातें साझा कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।